एमपी में 226 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की हुई जब्ती। प्रदेश में 2018 के चुनाव से अब तक तीन गुना ज्यादा कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से ही प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। प्रदेश में 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 226 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 2018 के विधानसभा चुनाव से तीन गुना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से प्रदेश में इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए गठित दलों FST, SST और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थ, नगद रुपए, अमूल्य धातु, सोना चांदी, ज्वेलरी सहित अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। कार्रवाई में 216 करोड़ की सामग्री जब्त। संयुक्त टीमों द्वारा 9 से 29 अक्टूबर तक 226 करोड़ 13 लाख 37,000 636 रुपए की कार्रवाई की गई है। इसमें 25 करोड़ 5 लाख 33,000 884 रुपए की नगद राशि, 36 करोड़ 99 लाख 40,000 331 रुपए कीमत की 19 लाख 57,000 696 लीटर से अधिक की अवैध शराब, 11 करोड़ 70 लाख 73,000 847 रुपए की कीमत के मादक पदार्थ, 75 करोड़ 6 लाख 62,000 978 रुपए के अमूल्य धातु, सोना चांदी, ज्वेलरी और 77 करोड़ 31 लाख 26,000 616 रुपए की अन्य सामग्री जब्त की गई है। 2018 के चुनाव से तीन गुना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से प्रदेश में एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन में 6 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच आदर्श आचार संहिता के दौरान 72 करोड़ 93 लाख रुपए की एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष 2023 के विधानसभा निर्वाचन 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में 226 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की जब्ती कार्रवाई की गई है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।